था। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صلوات سيد محمد وآل محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے جس طریقے سے صبر ہے ویسے ہی شکر بھی ہے صبر کے بھی درجات ہیں اور شکر کے بھی درجات ہیں صبر مصیبت کے مقابلے میں ہوتا ہے صبر معصیت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور صبر اطاعت کے مقابلے میں اور ان میں سے یہ تینوں درجے ایک سے بلند دوسرے کا درجہ دوسرے سے بلند تیسرے کا درجہ ہے یہی صورت شکر کی بھی ہے شکر صرف زبان سے نہیں ہے یہ جو زبان سے شکر ہے یہ صرف نچلے درجے کا شکر ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکرن للہ شکر ہے اللہ کا یہ جو زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں یہ بہت ہی نچلے درجے کا شکر ہے تو اگر یہ نیچے درجے کا شکر ہے تو پھر یہ اوپر درجے کا شکر کیا ہوتا ہے اس سے بلند شکر یہ ہے کہ انسان کے اختیارات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں ان تمام چیزوں کا مصرف وہاں کرے گی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے یہ اس کا شکر ہے یہ ہے شکر
जो भी चीजें हमें दी हैं अल्लाह ने, अब आंख का शुक्र क्या है? अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत दी है हमको ये आंख, तो अगर आंख का हम शुक्रिया अदा करना चाहें तो आंख का शुक्रिया कैसे होगा? आंख का शुक्र यह है कि तुम इससे कोई गलत चीज ना देखो, गलत तरफ निगाह ना करो, ये इसका शुक्रिया है। इसी तरीके से अल्लाह ने कान दिए हैं, अब जाहिर सी बात है कितनी बड़ी नेमत है। अब इस कानों का शुक्रिया क्या है? कानों का शुक्रिया यह है कि कोई गलत आवाज अपने कानों तक ना आने दो। अल्लाह ने बाकी दूसरे आज़ा और जवारे, हाथ दिए, पैर दिए, बाकी दूसरे आज़ा और जवारे दिए हैं, तो ये जो हाथ पैर तमाम आज़ा और जवारे हैं, इनका अगर हम शुक्रिया अदा करना चाहें तो इनका शुक्रिया क्या है? इन हाथों के जरिए से किसी के ऊपर जुल्म ना हो, इन पैरों के जरिए से हम गलत सिमत में कदम ना उठाएं, यह है शुक्र परवरदिगार। तो एक है जबान से शुक्र अदा करना, और उससे बुलंद और उससे बेहतर यह है कि इंसान के अख्तियार में जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसको उसी के मुताबिक सर्फ करना कि जिसके मुताबिक अल्लाह ने उसे खल्क किया है। इसी तरीके से बाकी दूसरी चीजें जो अल्लाह ने हमारे अख्तियार में दी है, अल्लाह ने हमको औलाद अता की, अल्लाह ने हमको बाकायदा दौलत अता की, अल्लाह ने हमको इज्जत अता की, अल्लाह ने हमको मकाम और मर्तबा अता किया, ओहदा और मनसब दिया, जितनी भी चीजें अल्लाह ने हमारे अख्तियार में दी हैं, इन तमाम चीजों का मसरफ उसकी राह में और उसके लिए, यह है शुक्र परवरदिगार। लेकिन अगर हम उसको नजर में रखे बगैर अपनी मनमानी करने लगे, यहीं से कुफरान नेमत होता है, यहीं से ज्यादती हो जाती है, जिसको कुफरान नेमत बोलते हैं। अल्लाह कह रहा है कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम इजाफा कर देंगे, लेकिन अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो फिर हमारा अजाब बहुत सख्त है, हमारा अजाब बहुत सख्त है। जहां इन तमाम आज़ा और जवारे से जो चीजें अल्लाह ने हमारे अख्तियार में दी हैं उनके जरिए से शुक्र खुदा और शुक्र परवरदिगार हो, वहीं शुक्र परवरदिगार के सिलसिले में अगर आप अंबिया अलैहिस्सलाम की और मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगियों के ऊपर नजर करें तो आपको अंदाजा होगा कि शुक्र किसे कहते हैं, शुक्र परवरदिगार किसे कहा जाता है। तमाम अंबिया में एक बहुत मशहूर नाम और वो है जनाब अय्यूब, जिनका सब्र मशहूर है, सब्र अय्यूबी, जिनका सब्र मशहूर है। जनाब अय्यूब का क्यों सब्र मशहूर हुआ? क्योंकि जनाब अय्यूब शुक्र करने वाले थे, शुक्र बजा लाने वाले थे, हर चीज के ऊपर शुक्र। जाहिर सी बात है कि शुक्र बगैर सब्र के कोई नहीं सकता है। जब तक कि आपके यहां सब्र नहीं होगा, सब्र के बगैर शुक्र आ ही नहीं सकता है। सामने बेहतरीन मंजर है, अब आंखें और यह नफ्स ये कह रहा कि देखो, शरीयत और दीन और इस्लाम और कुरान कह रहा कि मत देखो, तो अब क्या करेंगे हम? अगर हमने नफ्स की बात मानी तो हमने कुफरान नेमत किया, अगर हमने इस दीन शरीयत और कुरान की बात मानी और इस नफ्स से टकरा गए तो फिर हमने हकीकत में नफ्स के खिलाफ अमल करने के बाद ये जो अपने को बचा के रखा ये क्या हुआ? सब्र। सब्र के बगैर शुक्र हो ही नहीं सकता है, सब्र के बगैर शुक्र मुमकिन ही नहीं है। इसी तरीके से बाकी और दूसरी चीजें भी हैं और दूसरे हालात। तो जनाब अय्यूब के यहां जो खास चीज थी वो चीज थी सब्र, और सब्र की बुनियाद पर था शुक्र। जो कुछ भी अल्लाह ने उनको दिया, जिन हालात में रखा अल्लाह ने, जनाब अय्यूब उसमें सब्र करते रहे और सब्र के साथ साथ शुक्र खुदा बजा लाते रहे। मैं पूरी जिंदगी नहीं पेश करना चाहता हूं, मुख्तसर सा वक्त है, और बस कि जनाब अय्यूब को अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी,
बहुत अच्छी खेती थी, खूब भेड़ बकरियां थी, बड़े अच्छे हालात थे, बड़ी अच्छी सेहत थी आपकी। शैतान को हसद पैदा हो गया। जाहिर सी बात है कि शैतान कुफराने नेमत करने वालों से हसद नहीं करता है, वो शुक्र करने वालों से हसद करता है, वो सब्र करने वालों से हसद करता है। जो कुफ्र कर रहा है उससे उसको क्या लेना देना, वो तो कर ही रहा है, वो तो उसके रास्ते पे है ही है। लिहाजा शैतान को हसद तो उससे पैदा होता है कि जो शुक्र खुदा वजह लाने वाला हो, जो सब्र करने वाला हो। लिहाजा शैतान को हसद पैदा हुआ और उसने अल्लाह की बारगाह में कहा कि ये जो अय्यूब तेरी बारगाह में इतनी इबादत कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं और मुनाजात कर रहे हैं और सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, ये सब इस वजह से है कि तूने इनको खूब नवाज दिया है, इतनी अच्छी सेहत दे दी इनको और इतनी भेड़ बकरियां और बेहतरीन खेती और बेहतरीन दौलत, आराम से जिंदगी गुजर रही, लिहाजा शुक्र बजा ला रहे हैं। और ये सब चीजें लेके देख, तब देखे कैसे शुक्र करते हैं और तब देखे कैसे सब्र करते हैं ये। अल्लाह ने कहा कि ठीक, ये चीजें तेरे अख्तियार में देता हूं, तू जो चाहे करके देख ले। अब वाकई बंदा इस मंजिल के ऊपर हो कि जहां अल्लाह को उस बंदे के ऊपर इतना एतबार हो कि अपने उस बंदे के लिए कहे कि ठीक आजमा ले मेरे बंदे को, मैं तमाम चीजें तेरे अख्तियार में दिए देता हूं, तू करके देख ले। अब उसी के बाद से जनाबे अय्यूब की खेती सूखने लगी। तो अब जाहिर बात है खेती सूखती है तो किसान परेशान होता है, उसकी मेहनत होती है, उसकी पूंजी होती है, उसका सरमाया होता है, वही तो सब कुछ उसका होता है। लेकिन जनाब अय्यूब जैसे जैसे खेती सूखती जा रही थी वैसे वैसे उनके शुक्र में और इजाफा होता जा रहा था, और शुक्र में इजाफा होता जा रहा था। खेती सूख गई, अब उसके बाद साहब एक एक करके भेड़ बकरियां मरने लगी। अब जैसे जैसे भेड़ बकरियां कम होती जा रही थी जनाब अय्यूब के शुक्र में और इजाफा होता जा रहा था। अब साहब खेती चली गई, भेड़ बकरियां खत्म हो गई, दौलत खत्म हो गई। कहा कि ये जो शुक्र अदा हो रहा है ये सेहत की बुनियाद के ऊपर है, तूने जो इनको इतनी अच्छी सेहत दे रखी है, अगर ये सेहतमंद ना होते, बीमार उमार होते तो फिर देखते कैसे तेरा शुक्र अदा करते, का ये भी करके देख ले। और जनाब अय्यूब मरीज हो गए, लेकिन इस मर्ज के बावजूद कि जहां इंसान बिस्तरे मर्ज के ऊपर परेशान हो जाता है, उसकी जबान के ऊपर नहीं मालूम कैसे कैसे जुमले आ जाते हैं, लेकिन जनाब अय्यूब के लिए मिला के जैसे जैसे आपकी सेहत गिरती जा रही थी वैसे वैसे शुक्र खुदा में और इजाफा होता जा रहा था, और इजाफा होता जा रहा था। अच्छा, ये दुनिया का मिजाज है और दुनिया का तरीका है कि जब तक दौलत है, जब तक सर्वत है, जब तक सेहत है, तब तक तो सब साथ हैं और हर आदमी सलाम अलैकुम, बड़े लंबे लंबे सलाम होते हैं। लेकिन बेचारा कहीं जरा सा परेशान हुआ, जरा सा हालात खराब हुए, जरा सा सेहत गई, वही वो जो अपने थे, वो जो बहुत बड़े दोस्त बनते थे, जो बहुत बड़े साथी बनते थे, बहुत बड़े हमदर्द बनते थे, आज पता चला कि वो पूछने भी नहीं आ रहे हैं। जनाब अय्यूब, अब जब तक सब कुछ था, सब इतना बड़ा कबीला, खानदान, शहर, सब हर आदमी सलाम कर रहा था, हर आदमी एहतराम कर रहा था, लेकिन अब जब कुछ ना रहा, धीरे धीरे सब अलग होने लगे, किनारे होने लगे। अब एक अकेली जौजा बची थी जनाब अय्यूब की, यहां तक के जनाब अय्यूब की जहां के ऊपर खेती थी उसी अपने खेत के किनारे आपने एक वहां के ऊपर झोपड़ा डाला हुआ था और वहीं के ऊपर आप आराम फरमा थे उस बीमारी के आलम में, अकेली जनाब अय्यूब की जौजा और वो उनकी खिदमत करने वाली, उनकी तीमारदारी करने वाली, उनकी देखभाल करने वाली। औरतें ज्यादा जल्दी मुतासिर हो जाती हैं। अब जब जनाब अय्यूब को देखा कि सब कुछ चला गया, खेती चली गई, भेड़ बकरियां मर गई, सेहत चली गई,
लेकिन फिर भी इनके शुक्र में कहीं से कमी नहीं आई, तो शैतान ने सोचा कि अब क्या किया जाए और अब क्या चाल चली जाए। तो एक दिन शैतान ने अपने तमाम चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाने के बाद कहा, ये बताओ कि हमने हर काम करके देख लिया और हर तरीके से इसको आजमा लिया, लेकिन ये अपने रास्ते से हट नहीं रहा है। अब ये बताओ कि कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। सब कुछ खत्म हो गया, जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ कर दिया, लेकिन ये रास्ते से हट नहीं रहा है और ये मेरे रास्ते के ऊपर आ नहीं रहा, क्या किया जाए। तो उसमें से एक चेले ने कहा कि इसके लिए वही रास्ता अख्तियार कीजिए कि जो इनके बाबा यानी जनाब आदम के लिए अख्तियार किया था। कहा वो क्या? कहा उनकी जौजा। कहा ये सही है, जौजा के जरिए से जाया जा सकता है। लिहाजा अब जनाब अय्यूब और जनाब उनकी मैंने वर्णन किया कि सब जा चुके थे, अकेली जौजा थी तीमारदारी के लिए। जनाब अय्यूब के जौजा खिदमत कर रही हैं, तीमारदारी कर रही। एक दिन शैतान बहुत ही हमदर्द बनकर सामने आया। अब ये जो सामने आया तो उसने कहा, खैरियत तो है, बहुत परेशान दिख रही हो, क्या हुआ? ठीक तो है? तो जनाब अय्यूब के जौजा ने कहा कि ठीक क्या, इतना सब खेती बाड़ी थी, इतनी सब भेड़ बकरियां थी, इतनी अच्छी जिंदगी थी, सब कुछ चला गया, और ये देखिए हमारे शौहर, इतनी अच्छी सेहत थी, आज सेहत भी नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया है, समझ ही नहीं आता है कि सब खत्म होता चला जा रहा है, सब खत्म होता चला जा रहा है। अजीजाने मोहतरम, ये मंजिल कोई आसान मंजिल नहीं है। समाज में न जाने कितनी ऐसे वाकयात, ऐसे हालात बनते हैं और इंसान सब्र नहीं कर पाता है, शुक्र नहीं कर पाता है ऐसे हालात में। और फिर यही वो मौका होता है कि जहां कहीं ना कहीं से मुनहरिफ हो जाता है, गुमराह हो जाता है, भटक जाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है, हराम की फिक्र करने लगता है, हलाल और जायज को छोड़ देता है। आसान नहीं है ये रास्ता, बहुत मुश्किल डगर है। लिहाजा जैसे ही शैतान ने सुना कि जनाब अय्यूब की जौजा कह रहे हैं कि हाँ कितनी अच्छी जिंदगी थी, कितनी दौलत थी, कितना सरमाया था, कितनी अच्छी खेती बाड़ी थी, कितनी अच्छी सेहत थी, और आज कुछ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है, सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उसने कहा कि एक तरीका मैं तुमको बता रहा हूं और इसके ऊपर तुम अगर अमल करो तो ये गया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ऐसे कोई बाबा अगर दुनिया में मिल जाए, ऐसे कोई बापू दुनिया में मिल जाए कि जो दुनिया में सब कुछ जा रहा हो और वो बता देंगे बस ये तुम खाली कर लो और सब कुछ आ जाएगा, तो हाँ हाँ बिल्कुल बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो वो तो बिचारी, लिहाजा जैसे ही सुना कहा कि हाँ हाँ बताइए क्या, कि वाकई में सब कुछ आ जाएगा, हाँ हाँ सब कुछ आ जाएगा, तुम्हारा दौलत भी आ जाएगी, सेहत भी आ जाएगी, बस एक काम कर लो। कहा वो क्या है? कहा वो काम ये है कि तुम कुर्बानी करो। कहा हाँ ठीक है कुर्बानी कर देंगे। कहा नहीं, उसकी शर्त है कुर्बानी करने की, कुर्बानी करो लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम मत लेना। बिल्कुल वही कैफियत कि जो आजकल हमारे यहां समाज में होता है, ये अमल तो करना है लेकिन कहां, शमशान घाट पे जाके करना है, शमशान घाट पे जाके करना है तुमको ये अमल, के अमल तो करना है, सब ठीक हो जाएगा, सब आ जाएगा वापस, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन ये अमल शमशान घाट पे करना है तुमको। अब ये सोचा बर बेचारा दुनिया में है, वही मैंने कहा कि ये मंजिल आसान नहीं है, पहुंचने वाले पहुंच भी जाते हैं शमशान घाट और वहां से नजिस नापाक राख और खाक उठा भी लाते हैं और जो कुछ भी जलाना पुलाना होता है जला भी देते हैं वहां ऊपर जाके, तो कोई आसान नहीं है मंजिल, बहुत सख्त मंजिल है। जनाब अय्यूब की जौजा और वो कहा कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। अब करें तो कैसे करें, उनके पास खुद तो कुछ था नहीं। आई जनाब अय्यूब के पास और जनाब अय्यूब के पास आने के बाद वही हमदर्दी वाले लफ्ज जो उसे शैतान ने कहे थे,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि शैतान जब भी आता हमदर्द बन के आता है, हमदर्द बन के आएगा आपका। लिहाजा वो आने के बाद जनाब अय्यूब के पास कहने लगी कि इतनी अच्छी जिंदगी थी, सब कुछ था, लेकिन आज सब कुछ चला गया। काफी चला गया तो शुक्र खुदा, दिया था तो शुक्र, और उसने ले लिया तो शुक्र, उसमें क्या खराबी क्या बुराई है, क्या हुआ? कहा कि वो अगर एक काम करते, एक साहब मिले थे अभी और वो कह रहे थे कि एक काम कर लो तो सब कुछ वापस आ जाएगा। कहा वो क्या? कहा कि कुर्बानी। कहा बेहतर, बिल्कुल कुर्बानी तो बहुत अच्छा अमल है, बहुत अल्लाह पसंद अमल है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करो कुर्बानी। लेकिन कहा कि उसने एक शर्त लगाई है कि कुर्बानी तो करना, लेकिन देखो कुर्बानी करते वक्त, ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम न लेना। बस एक मर्तबा जनाबे अय्यूब चौंक गए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो शैतानी हरबों से वाकिफ होते हैं कि कहां के ऊपर आवाज कौन सी रहमानी है और कौन सी आवाज शैतानी है, कौन सा रास्ता रहमानी है और कौन सा रास्ता शैतानी है। जैसे ही जोजा ने कहा कि उन्होंने कहा है कि कुर्बानी करना, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम मत लेना। पर जनाब अय्यूब एक मर्तबा चौंके, क्या कहा? मैं कुर्बानी करूं और अल्लाह ताला का नाम ना लूं उसके ऊपर, तुम हमसे हराम करवाना चाहती हो? बस एक मर्तबा जनाब अय्यूब उस तन्हाई में और उस सख्ती में और उस तकलीफ में कि जहां कोई नहीं था जनाब अय्यूब के पास, अकेली जोजा थी, चली जाओ मेरे पास से, अब आइंदा से दिखना नहीं है आगे ऊपर, चली जाओ हमारे सामने की निगाहों के सामने से, चल जाओ यहां से, चली जाओ। तुमने कैसे मुझसे ये बात कही कि मैं कुर्बानी करूं और अल्लाह ताला का नाम ना लूं? फिर कसम खाई जनाब अय्यूब ने कि अगर अच्छा हो गया मैं, अगर मुझे सेहत मिली, तो इस जुर्म में तुमको 100 ताजियाने लगाऊंगा। कुरान मजीद में बाकायदा पूरा तस्करा मौजूद है कि तुमने कैसे ये बात कही कि मैं अच्छा हो जाऊं और वो सब कुछ आ जाए, कुर्बानी करूं और अल्लाह ताला का नाम ना लूं, 100 ताजियाने लगाऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि अकेली जोजा थी, वो भी चली गई। अब जनाब अय्यूब अकेले और तन्हा, अब तो कोई भी नहीं है कि जो तीमारदारी करे, खिदमत करे, आपकी देखभाल करे। अब जनाब अय्यूब ऐसे ही मौके के ऊपर कि जब कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, बस राबता मजबूत होना चाहिए, आवाज में खुलूस होना चाहिए। ये जो आवाज निकलती है ये दिल की आवाज हो, वो कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता है, कैसे ही सख्त हालात हों, कैसे ही खराब हालात हों, वो तन्हा नहीं छोड़ता अपने बंदे को। लेकिन जब कोई ना रहा जनाब अय्यूब के पास, तो जनाब अय्यूब बिल्कुल तन्हा, तो जनाब अय्यूब ने उसकी बारगाह में दुआ की, अन्नी मस्तन्नी अज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन, माबूद बीमारियों ने मुझे छू लिया है और तू तो अरहमुर राहिमीन है। कहते जैसे ही जनाब अय्यूब की जबान से ये जुमले निकले, एक मरतबा जनाब जिब्राइल नाजिल हो गए और जनाब अय्यूब की खिदमत में आने के बाद कहते हैं, अय्यूब जरा पैर हटाओ। जनाब अय्यूब जहां पर पैर रखे हुए थे वहां से उन्होंने पैर हटाया, जैसे ही पैर हटाया तो वहां से चश्मा उबलना शुरू हुआ, पानी का बेहतरीन, साफ शफाफ मीठा पानी। कहा अय्यूब इसमें गुस्ल करो। जनाब अय्यूब ने गुस्ल किया, जैसे ही गुस्ल किया गई हुई सेहत वापस। जनाब जिब्राइल एक लिबास लेकर आए थे, कहा इसे आप ज़ेब-ए-तन कीजिए, और जनाब अय्यूब वो जन्नती लिबास पहन के, साफ शफाफ बिल्कुल सफेद पहन के बैठे और वैसे ही बिल्कुल सेहतमंद। और उधर वो सौजा बेचारी परेशान हो रही कि इन्होंने हमको भगा तो दिया है, हटा तो दिया है, लेकिन इनके पास होगा कौन, इनका होगा क्या, कोई तो पूछने वाला नहीं है,
कोई तो खबर लेने वाला नहीं है। लिहाजा उस जाहिर बात है कि सोचा है तो उसको भी करार नहीं है, लिहाजा वो भी अपने घर से निकली कि चले देखें, कम से कम दूर ही से देख लें कि आखिर ठीक ठाक कुछ खैरियत तो है। अब जो जनाब अय्यूब की सौजा घर से निकली और कि देखें शौहर किस हाल में है, अब आ रही है तो जनाब अय्यूब को देख तो रही लेकिन पहचान नहीं पा रही है कि ये कैसे हो सकता है कि सुबह को इतना मरीज इंसान, इतना दुबला पतला इंसान, इतना लागर इंसान, इतना कमजोर इंसान और बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान, और ये तो बेहतरीन सेहतमंद साफ शफाफ सफेद लिबास पहने हुए बिल्कुल एकदम, अब वो आई और एक मर्तबा आके देख के चली गई, फिर दोबारा वापस हुई कि पता नहीं यही है या कोई दूसरा कोई आके बैठ गया है, कहीं कुछ कलाम करूं कहीं कुछ गलत ना हो जाए कहीं। तो जब ये दूसरी मर्तबा फिर वापस हुई तो जनाब अय्यूब गोया हुए, जनाब अय्यूब ने पूछा किसको तलाश कर रही हो, किसको ढूंढ रही हो, का यहां के ऊपर मेरा शौहर होता था, का कैसा था तुम्हारा शौहर, कैसा रहा तुम्हारा शौहर। तो बस जनाब अय्यूब की सौजा कहती कि उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनके जो दांत और उनका ये जो चेहरा है ये आपसे बहुत मिलता जुलता था। तो बस एक मरतबा जनाब अय्यूब कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का फजल और करम है। उसने कहा ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो हम इजाफा कर देंगे। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तुम्हारा शौहर अय्यूब हूं, का ये क्या हुआ, कहा कि यही मेरे परवरदिगार का फजल है, उसका करम है, उसका एहसान है, अल्लाह ताला ने हमारी तमाम मुश्किलात को आसान किया, हमारी बीमारी को सेहत में बदल दिया। अब उसके बाद के और हालात और वाकयात हैं, फिर उसके बाद कैसे तौबा की और कैसे जनाब अय्यूब ने वो जो कसम खाई थी उसको पूरा किया वगैरह वगैरह। कहने का मकसद ये है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा। अजीजान मोहतरम, मेरा दिल चाहता है कि जनाब अय्यूब की खिदमत में अर्ज करूं कि यकीनन सख्तियों में तकलीफों में आपने शुक्र खुदा बजा लाए, लेकिन फिर भी कम से कम कोई देखभाल करने वाला था, कोई तीमारदारी करने वाला था। लेकिन अगर वाकयान शुक्र खुदा देखना है तो करबला के मैदान में आइए, शुक्र खुदा देखना है तो करबला के मैदान में आइए। जनाब अय्यूब ने यकीनन शुक्र अदा किया लेकिन उनके सामने उनकी औलाद खत्म नहीं हुई, उनके सामने लाशें पड़ी हुई नहीं थी, उनके सामने उनका घर जल नहीं रहा था, उनके सामने उनके अहले हरम के सरों से चादरें नहीं उतारी जा रही थी। लेकिन अज़ादारों, अगर शुक्र देखना है तो आइए करबला के मैदान में देखिए। कहते हैं जैसे ही फिजाए करबला में आवाज गूंजी, अला कुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन बे करबला, अज़ादारों इन जालिमों ने एक मरतबा शादियाने बजाने शुरू किए, भागना शुरू किया मैदान से। उमर साद रकाबों पे जोर दे के खड़ा हो गया और एक मरतबा कहता है फौज वालों कहां भागे जा रहे हो, अभी तो एक और बहुत बड़ा काम बाकी है। कहा कि अब तो हुसैन कत्ल कर दिए गए, अब क्या काम बाकी है। कहा अभी हुसैन की लाश को घोड़ों की टाखों से पामाल करना है। अजादारों दरमियान में इमाम का लाशा रखा गया, 10 बड़ी बड़ी टापों वाले घोड़े आगे बढ़े, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बहन देखती रही फरियाद करती रही, भाई का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल होता रहा। अजादारों इन जालिमों ने इसी पे इक्तफा न की बल्कि इन्होंने खैमों में आग लगा दी, बीबियों के सरों से चादरों को उतार लिया। अजादारों हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैं वो मंजर देख रहा था,
कि जिस वक्त खैमों में आग लगी, मैंने देखा एक बीबी खैमे में तेजी से जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। मैं करीब गया, करीब जाने के बाद सबब पूछा, पता चला कि एक मरतबा बीबी कहती है कि भैया की अमानत खैमे के अंदर है, और ये कह के अब जो खैमे के अंदर गई तो अपनी पुश्त के ऊपर एक मरीज को लेकर वापस हुई। आने के बाद करबला की जलती हुई जमीन पर उस मरीज को लिटाया, उस मरीज ने अपना सर सजदे खालिक में रखा, आवाज दी, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्मन व तस्दीका। अय्यूबा, और जरा करबला के मैदान में जरा सैयद सज्जाद का सब्र तो देखो, सैयद सज्जाद का शुक्र तो देखो। एक तरफ बाप जिसका लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका, एक तरफ चचा जिसके शाने कलम हो चुके, एक तरफ भाई जिसके सीने पर बर्छी का फल लग चुका, एक तरफ अजीज और अकरबा जो दुनिया से रुखसत हो चुके, एक तरफ अहले हरम कि जिनके सरों से चादरें उतर चुकी, एक तरफ वो खैमे के जो जल चुके। और इन तमाम मुसीबतों के दरमियान में हमारे चौथे इमाम सर सजदे खालिक में रखे हुए आवाज दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्मन व तस्दीक। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज जालिमीन, सयालमुल्लजीना ज़लमू ايام قلب ينقلبون بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها بار الها شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے معبود ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کے تمام امور کی اصلاح فرما بار الہ मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को जलील ख्वार और नीस नाबूद फरमा। बार इलाहा लुबनान और सीरिया और फिलिस्तीन और बाकी जो इलाके के दूसरे इलाकों में जो मजलूमीन की आवाज़ें और सिसकियाँ बुलंद हैं, महबूद इन तमाम मजलूमों की मदद नुसरत और हिफाजत फरमा। बार इलाहा इन जालिमों का खात्मा फरमा। इसराइल जालिमो गासिबो जाबिर और इसकी पुश्त के ऊपर जो भी हुकूमतें खड़ी हुई हैं और जाहिरी और छुप कर जो भी इसकी मदद कर रही, महबूद इन सबको जलील ख्वार और नीस तो नाबूद फरमा। बार इलाहा जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जो मोमिनीन मरीज है उनको शफा अता फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो चुकी उनकी मगफरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के गुलामों और उनके नासिरों में शुमार फरमा। हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।